हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के समय नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप गाइस कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है रेडमी नोट 10 प्रो के पर। दोस्तों, अगर आपके पास रेडमी नोट 10 प्रो है तो गाइस आपका डिवाइस लेटेस्ट और नया है। तो वैसे में दोस्तों, हो सकता है कि अगर आपका डिवाइस इन फ्यूचर या फिर कुछ टाइम बीतने के बाद दोस्तों, अगर आपका डिवाइस डैमेज हो जाता है तो वैसे में दोस्तों, आपको अपने फ़ोन की जो रिप्लेसमेंट प्राइस है बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कितने रुपये का आपका रिप्लेसमेंट प्राइस पड़ेगा। पर दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी को Redmi Note 10 Pro के दोस्तों जितने भी पार्ट आते हैं सारे पार्ट्स की आपको रिप्लेसमेंट प्राइस बताऊंगा बिना सर्विस सेंटर जाए हुए। तो गाइज, आप वीडियो को पूरी इंड तक देखेगा दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस कर बेल आइकन को ऑल करिए, ताकि हमारे हर ऐसी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको आने वाले टाइम इन फ्यूचर आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं Redmi Note 10 Pro की दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट की। दोस्तों, अगर बैटरी की बात करूँ तो आपको 5020 mAh की आपको एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, हो सकता है कि आपकी बैटरी तो लाइफ टाइम चलेगी नहीं। दोस्तों, हो सकता है कुछ टाइम बीतने के बाद, अभी कुछ महीने बीतने के बाद अगर आपकी बैटरी खराब हो जाती है, बैटरी बैकअप कम करता है, फिर किसी रीजन से दोस्तों आप अपनी बैटरी रिप्लेसमेंट या फिर चेंज कराने जाते हैं मी सर्विस सेंटर पर, तो आज वहाँ पर उसकी रिप्लेसमेंट प्राइस आपको 799 rupees देने पड़ जाएंगे। अराउंड आपको 800 rupees के आसपास आपको बैटरी की रिप्लेसमेंट प्राइस आपको देनी पड़ जाएगी। साथ ही गाइस, बात करते हैं बैक पैनल की। दोस्तों, अगर बैक पैनल की बात करूँ तो आपको अच्छा खासा बैक पैनल देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, हो सकता है गिरने फिर किसी रीजन से दोस्तों अगर आपका बैक पैनल खराब हो जाता है, टूट जाता है, तो वैसे में दोस्तों आप अपने बैक पैनल को रिप्लेसमेंट या फिर चेंज कराने जाते हैं तो गाइस उसकी रिप्लेसमेंट प्राइस 1499 rupees देने पड़ जाएंगे। अराउंड आपको 1500 rupees के आसपास आपको बैक पैनल की रिप्लेसमेंट प्राइस आपको देनी पड़ जाएगी। साथ ही गाइस, बात करते हैं इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की। दोस्तों, फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करूँ तो आपको साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, हो सकता है किसी रीजन से दोस्तों अगर आपका फिंगरप्रिंट खराब हो जाए या फिर अदरवाइज किसी वजह से दोस्तों अपने फिंगरप्रिंट को रिप्लेसमेंट या फिर चेंज कराना चाहते हैं मी सर्विस सेंटर पे, तो गाइस वहाँ पे उसकी रिप्लेसमेंट प्राइस 1199 rupees देने पड़ जाएंगे। अराउंड आपको 1200 rupees के आसपास आपको साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर की रिप्लेसमेंट प्राइस आपको देनी पड़ जाएगी। तो फाइनली गाइस, सबसे मेन है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करूँ दोस्तों ई डिवाइस की। दोस्तों, डिस्प्ले की बात करूँ तो आपको डिस्प्ले आपको एक नंबर हाई क्वालिटी की नेक्स्ट लेवल की आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। दोस्तों, अगर डिस्प्ले की बात करूँ तो आपको फुल HD प्लस सुपर एमोलेड पैनल और 120Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों अगर डिस्प्ले की डिपार्टमेंट की बात करूँ तो इस डिवाइस का सबसे हाईलाइट और सबसे अच्छा फीचर आपको डिस्प्ले डिपार्टमेंट में देखने को मिलता है। साथ ही गाइस, बात करते हैं डिस्प्ले की। दोस्तों, डिस्प्ले अगर आपका किसी रीजन से फिर किसी वजह से दोस्तों अगर आपकी डिस्प्ले खराब जाती है, प्रॉपर काम करना बंद कर दे, तो वैसे में दोस्तों आप डिस्प्ले को रिप्लेसमेंट या फिर चेंज कराने जाते हैं मी सर्विस सेंटर पे, तो गाइस वहाँ पे उसकी रिप्लेसमेंट प्राइस आपको देनी पड़ 4599 rupees डिस्प्ले फिर स्क्रीन की रिप्लेसमेंट प्राइस आपको देनी पड़ जाएगी। तो फाइनली गाइस, लास्ट में बात करते हैं दोस्तों मदरबोर्ड की। दोस्तों, अगर मदरबोर्ड हो सकता है खराब हो जाए किसी वजह से, दोस्तों अगर मेन बोर्ड या फिर मदरबोर्ड को रिप्लेसमेंट या फिर चेंज करना पड़ा, तो गाइस उसकी प्राइस आपको वेरिएंट के हिसाब से देना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपका 6GB और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है, तो गाइस उसकी रिप्लेसमेंट प्राइस आपको देनी पड़ जाएगी 8199। अराउंड आपको 8200 rupees के आसपास आपको मदरबोर्ड की रिप्लेसमेंट प्राइस आपको देनी पड़ जाएगी। तो आई होप गाइस कि आप सभी को वीडियो में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों, जितने मैंने आपको पार्ट की रिप्लेसमेंट प्राइस बताई है दोस्तों, वो थी सिर्फ पार्ट की ओरिजिनल प्राइस। लेकिन दोस्तों, जब आप सर्विस सेंटर पर जाएंगे तो वहाँ पे दोस्तों आपको दो एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, जो कि दोस्तों आपको पहला GST और दूसरा आपको सर्विस चार्ज अलग से पे करना होगा। तो आई होप गाइस कि आप सभी को वीडियो में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों, अगर वीडियो में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस कर बेल आइकन को ऑल कर लिए, ताकि हमारी हर ऐसी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको आने वाले टाइम इन फ्यूचर आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना है। दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।